रिकवर कर रहे हैं एंड हम सब लोग दुआएं कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्दी वापस आएंगे और फिल्मों में दोबारा काम शुरू करेंगे। विशाल भारद्वाज ने बताया कि उनके खास दोस्त इरफान खान की हेल्थ अच्छी हो रही है और मुंबई आते ही इरफान विशाल की दीपिका पादुकोण स्टार और मोस्ट अवेटेड फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। इरफान टच में रहते हैं मेरे और मेरी उनसे बात होती रहती है। इरफान रिकवर कर रहे हैं एंड हम सब लोग दुआएं कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्दी वापस आएंगे और फिल्मों में दोबारा काम शुरू करेंगे और उनसे बातचीत होती रहती है। वो आजकल गाना गाते हैं और उस पर व्हाट्सएप पे गाना रिकॉर्ड करके भी भेजते हैं, लोरी भी गाते हैं और वो क्रिकेट तो देखते ही हैं वहाँ से। जैसे ही इरफान वापस आ जाएंगे ठीक होके वैसे ही हम इस फिल्म को रोल करेंगे। विशाल ने अपनी आने वाली फिल्म पटाखा पर बात करते हुए बताया कि पहले इस फिल्म का नाम छुरियां था, फिर उससे पटाखा कैसे हो गया। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें दो नई लड़कियाँ हैं, सुनील ग्रोवर हैं और आई फील वेरी लिबरेटेड कि मैं नॉन स्टार एटमोसफियर में काम किया बहुत दिनों बाद, तो मुझे बहुत मजा आया। चूड़ियाँ से पटाखा इसलिए रखा बिकॉज का नाम चूड़ियाँ नहीं छुरियाँ था, सब उसे चूड़ियाँ बोलते थे तो मैंने उसका नाम बदल के पटाखा किया। विशाल की कमीने और सात खून माफ जैसी फिल्मों में काम कर चुकी प्रियंका चोपड़ा अब ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं। ऐसे में विशाल से पूछा गया कि क्या वो पीसी के साथ कोई फिल्म बनाएंगे, तो इस पर उन्होंने ये जवाब दिया। जी हाँ, प्रियंका के साथ मुझे काम करना है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हर। वेल विशाल, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई।